जय हिंद दोस्तों, HBT न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिजाब को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक सियासी घमासान भी चल रही है, पार्लियामेंट्स हो या असेंबली हो या सड़कों पर नेताओं को या आम नागरिक हो, हर आदमी हिजाब को लेकर चिंतित है कि हिजाब का मामला क्या है और क्यों उठाया गया है। तो आज हम बात करेंगे हिजाब को लेकर एडवोकेट आमिना शेख जी से कि इनकी क्या राय है और कानून में इसकी क्या जगह है, ये सही है या गलत है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इसे किस नज़र से, सियासी बवाल भी मचा हुआ है, आप इसे किस नज़रिए से देखती है और लोगों को किस तरीके से आप इसे बताएंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है, इसकी कानून में क्या जगह है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, मतलब अभी फ़िलहाल जो भी चल रहा है तो इट इज़ टोटली पॉलिटिकल इश्यूज़ है ये सारे, और उनको बच्चों में इंक्लूड किया जा रहा है जो एजुकेशनल में मींस सिस्टम में लेकर आया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमको, हमारे मतलब माशरे को, आपको ये समझना है कि वहाँ हो क्या रहा है। एक्चुअली कर्नाटका में सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जो स्कार्फ और हिजाब में हम मिस वो कर रहे हैं, उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं कि हिजाब वहाँ पर बैंड हुआ है और नकाब इज़ अ डिफरेंट। और जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कर्नाटका में, कि जब तक का ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक का उनको अभी यानी ये सारी चीज़ें नहीं पहनना है, मीन्स जो भी रिलीजियस अटायर है वो उनको नहीं पहनना है, चाहे वो स्कार्फ हो या उनको जो सैफ्रॉन सॉल पहनकर जो वहाँ बच्चे कर रहे हैं। बट इस सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जो बच्चों का मतलब जो वायलेशन हो रहा है, जो वहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से जो वो लोग जो जा रहे थे, ये टोटली रॉन्ग है कि हम बीच में से कहीं से भी उठकर आकर हम ये रूल लगा दें स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। वो जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के मतलब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर ऐसा सडनली ये आ जाता है रूल कि आपको हेड कवर नहीं करना है इन क्लासरूम्स, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। बिकॉज अगर हम वहाँ पर, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इट इज़ योर रूल कि आप कोई सा भी रूल लगा सकते हो, इट इज़ नॉट फॉर द मैंडेटरी कि आपको यही यूनिफॉर्म मेंशन करना है या कोई और चीज़। आपको जो भी आपको यूनिफॉर्म डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टार्टिंग में ही बताना होगा कि आप एडमिशन से पहले आपको लेना है या नहीं लेना है, कि मतलब वो बच्चा समझ जाएगा ना कि हमको ये अगर ड्रेस कोड नहीं चल रहा है तो हम कहीं और स्कूल में जाके एडमिशन ले लेंगे। और हायर सेकेंडरी के अगर चिल्ड्रंस है वहाँ पर, जो अगर उनको हेड कवर नहीं करने दे रहा है वो भी अचानक से, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 25 आर्टिकल 1 में ये टोटली दिया हुआ है कि वुमेन कैन वेयर एनी ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। सो बीइंग अ एडवोकेट, मेरे हिसाब से तो हम कभी भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते, उसके लिए हमको प्रॉपर एक फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर वे फॉलो करना चाहिए। अगर स्कूल में भी अगर आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए तो आई अग्री विथ इट कि आपको यूनिफॉर्म बनाना है, आप जो बनाना है आप बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले से ही उनको वो चीज़ों को अवेयर करना पड़ेगा। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने स्कूल में कि वो दे दिया है कि मतलब अभी यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, तो यू शुड बी अप्लाई फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपको नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करना चाहिए वो सारी। अभी स्कूल में से आप निकाल के बाहर बिठा रहे हैं, उनको एंट्री नहीं दे रहे, तो डेट इज़ टोटली वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट तो टोटली उसमें वायलेट हो रहा है बच्चों का। और जब तक जजमेंट आएगा, जब तक जो कुछ होगा, तो उस बीच में जो बच्चों का नुकसान हो रहा है तो वो कौन फुलफिल करके देगा, ना जज देंगे ना या जो भी हमारी अथॉरिटीज़ है, तो वो हमको कंपेंसेशन में हमारी एजुकेशन का लॉस तो नहीं दे रहे ना। सिंगल डे जो बच्चों का लॉस हो रहा है, जो एब्सेंटीज लग रही है, उसका क्या कंपेंसेट मिलेगा हमको। अगर इसका मेन कैसा है, अगर इसका जो भी हमारा मिल जाता है, हमको मिल भी जाएगा इंसाफ, चलो हेड कवर की इजाज़त भी मिल जाएगी या जो भी हो जाएगा उस पर, उस बीच में जो बच्चों का नुकसान हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमको सिर्फ काम रहना है और वेट करना है हाई कोर्ट का ऑर्डर के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, कि वो हमको सपोर्ट करेंगे। मैडम, जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर आता है, अगर वो हिजाब के फेवर में नहीं होता है, तो उसे किस तरीके से उसे आगे लोगों को ये करना चाहिए कि अपने अधिकार के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, मांग करना चाहिए। हमारे मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इतना, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है,
और पूरे इंडिया में भी मतलब वो चीज़ को फॉलो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो मेरे हिसाब से तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उस हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई मीन्स ऐसा कोई जजमेंट आएगा जिसके अगेंस्ट में, हम फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में तो कोई जजमेंट आएगा नहीं। और इफ़ समवेयर कोई अगर हमको नहीं पसंद आ रहा है कोई जजमेंट, तो हम उस चीज़ के लिए हम लीगल वे से ही जा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा नहीं है कि हमको वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, और हमारे राइट टू रिलीजन में दिया हुआ है, राइट टू वुमेन एम्पावरमेंट में, सब में हमको ये सब चीज़ें सब दी चुकी है कि हमको मीन्स यहाँ पर इंसाफ मिलकर ही रहेगा। और हमको यहाँ पर सड़कों पे नहीं आना है, हमको ये चीज़ का वॉलेट हमको जाहिलियत से नहीं देना है, हमको हमारे हक के लिए लीगल वे में जाना है, और हक के लिए हमको हमारे कोर्ट है, हमारे जुडिशरी है, वो हमको पूरा सपोर्ट करती है, और हमको उसी वे में जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मतलब जो जो लोग एक मतलब अगर बच्ची ने वहाँ पर यानी कि वो की भी तो वो उनका रिएक्शन था, वो सामने अगर कोई बच्चे आके उनको परेशान कर रहे तो वो उनका रिएक्शन था, तो उनको भी मेरे हिसाब से वही पर्पस के हिसाब से देखा जाना चाहिए कि वो अपने एजुकेशनल राइट के लिए वो फाइट कर रही है, नॉट फॉर द रिलीजियस राइट के लिए। वो रिलीजियस फाइट नहीं होना चाहिए वहाँ पर, स्कूल कैंपस स्कूल में कॉलेजेस में हमको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सिखाई जाती है, ना कि हमको के रिलीजियस के हमको उनकी रिलीजियस को मतलब रिस्पेक्ट नहीं करना है, हमारे रिलीजियस को सुपीरियर बताना है या उनके रिलीजियस को हमको कम बताना है, ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो कोर्ट का रहेगा वो फैसला तो हमें मानना ही है, और उसके अलावा अगर हमको कुछ अपील करना है तो हम कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, व्हाटएवर द जजमेंट इज़ पास्ट, हमको उसे मानना है, और उसके आगे हमको जो प्रोसीजर रहेगा प्रोसीजर से फॉलो करना रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।